गाइस जय श्री महाकाल। तो जैसा कि मैं अभी उज्जैन में हूँ और पूरा उज्जैन घूम रहा हूँ। अभी आया हूँ मैं, ये मंगलनाथ मंदिर है संदीपनी आश्रम के पास। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिनके अंदर कोई मांगलिक दोष होता है या फिर कोई भी दोष होता है तो यहाँ पे पूजा वगैरह कराने के बाद वो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। मंगल दोष होता है, प्रथम भाव में, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या सप्तम भाव में विराजमान होता है महामंगल, तब उनकी पत्रिका मांगलिक हो जाती है। तो मंगल दोष, इसलिए मंगलनाथ का मेन गेट यहीं से आप एंटर करेंगे, ठीक है। और जस्ट सामने मंगलनाथ जी का मंदिर है, प्रसाद वगैरह अंदर ही मिल जाएगा आपको। यहाँ पे भाई पूजा चलती रहती है रेगुलर ही, जैसे पंडित जी हैं यहाँ पे पूजा करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई कितने लोग पूजा करा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एरिया है ना, तो यहाँ पे सारी पूजा वगैरह होती है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो पढ़ लेना मंगलनाथ, कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर। हाय गाइस जय श्री महाकाल। तो वापस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं शूट नहीं कर पाया था, रूम से नहा के निकला क्योंकि मेरे को मंगलनाथ आना था, ठीक है, दर्शन करने के लिए। मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी मांगलिक है या किसी को कोई दोष होता है उनकी कुंडली में, तो वो उज्जैन आते हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो उज्जैन से 6 किलोमीटर है मंगलनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे मतलब महाकाल जी का दूसरा रूप है जिनको मंगलनाथ जी बोलते हैं। भाई मेरी थोड़ी सांस फूल है, मैं पीछे जो शिप्रा का था ना, मैं वहाँ पे गया था जल छिड़कने के लिए, नहाया तो नहीं क्योंकि जल छिड़क लिया मैंने। तो कभी आप अगर आते हो उज्जैन दर्शन करने के लिए तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो मंगलनाथ जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। और मोस्टली यहाँ वो लोग आते हैं जिनकी कुंडली में दोष होता है, जो मांगलिक होते हैं। वो बहुत से लड़के लड़कियाँ यहाँ पे भाई जो यहाँ पे हवन वगैरह करा रहे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा चल के। तो आप अभी उज्जैन आते हैं तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना। और जस्ट इसके पास में संदीपनी आश्रम, तो उज्जैन से आने के लिए यहाँ पे आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, ई रिक्शा बहुत सारे मिल जाएंगे, उनसे आप बार्गेनिंग करके यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे मैं बात करूँ, वीकेंड में थोड़ी भीड़ रहती है, जैसे आज संडे है तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है। बाकी जस्ट पीछे शिप्रा नदी है, आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ चल के कि यहाँ पे जो पूजा होती है वो किस तरीके की होती है। तो ये है मंगलनाथ मंदिर का मेन गेट, आप इस तरफ से भी आ सकते हो, ठीक है, प्रसाद वगैरह मिल जाता है। और एक गेट इस तरफ है, बाकी स्टैंड जूता चप्पल का यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ है ये मंगलनाथ मंदिर। और मैं आपको भी और दिखा, पीने का पानी यहाँ पे है। तो भाई मेरे तो दर्शन हो गए बहुत अच्छे, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ चल के। अगर आप मांगलिक हैं और यहाँ पे पूजा पाठ कराने के लिए आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं लाना है, बस आपकी 1250 रुपये की एक रसीद कटेगी, ठीक है। उस रसीद से खाली पंडित जी को दे के और करवा लेना। पंडित जी का नंबर मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हवन पूजा होती है। तो ये प्रॉपर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मंगलनाथ जी का, ज़्यादा नहीं होगा, 6-7 या फिर 8 मिनट का होगा। बाकी वॉशरूम वगैरह उस साइड में है, ठीक है, पीने का पानी यहाँ भी है। और जो विकलांग हैं, चल नहीं पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये व्हील चेयर, सामने गेट है। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, और एक जूता स्टैंड जस्ट यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे पूजा हो रही है कि भाई कितने लोगों की कुंडली में दोष होता है, मेरे को तो ये बात पता ही नहीं थी, ठीक है। छाया भी होती है, पंडित जी ने जैसा बताया आपने सुना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की पूजा होती है भाई, ये कितने सारे लोग यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। तो पंडित जी वगैरह आप मिल जाएंगे, यहीं पर पूजा वगैरह होगी। ये देखिए भाई, ये बहुत बड़ा प्रांगण है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर पूजा होती है। ऐसे ही सामने लोग बैठे हुए पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और ऊपर शिवलिंग में भी पूजा होती है, वहाँ भी करा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये भीड़ है, ठीक है। आप जाएंगे तो मेन गेट से जाएंगे इधर ऊपर चढ़ते हुए, और जस्ट वहाँ पे लाइन लग के आप दर्शन करेंगे, मतलब 3rd फ्लोर पे है मंगलनाथ जी। और ये है ऐसा प्रांगण, जस्ट सामने है मंगलनाथ मंदिर। भाई भीड़ देख रहे हो कितनी, आज वीकेंड है, संडे को इतनी भीड़ है भाई यहाँ पे। अगर आपको दर्शन करने आना है तो मॉर्निंग में आना, और यहाँ पे पूजा वगैरह भी आप करा सकते हो, पंडित जी वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको कोई दोष है, मांगलिक है, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। ये कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, और लाइन भाई बहुत लंबी है, 1 घंटा लगेगा कम से कम मेरे को। फाइनली भाई पहुँचने वाले हैं मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और आज वीकेंड है तो भीड़ देखो कितनी सारी है यहाँ पे, 2 लाइन चल रही है। अगर आप
उज्जैन घूमने आते हो तो यहाँ पे भी आ जाना। उज्जैन से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे ना जो ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा वाले आपको ईजली ले आएंगे, उनसे बोल देना कि मंगलनाथ जाना है मेरे को दर्शन करने। तो जो देख रहे हैं मेरे पीछे जो मंदिर है, ये मंगलनाथ जी का मंदिर है और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। तो आप अगर उज्जैन आते हैं, आपके अंदर भी मांगलिक दोष है या फिर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हो। और भाई बहुत तेज़ धूप है, मेरे पैर जल रहे हैं, तो जो शूज़ वगैरह है ना वो यहाँ पे रख दो या फिर जहाँ से प्रसाद लोगे बाहर रख दो। और पूजा वगैरह यहाँ पे करा लेना, पंडित जी हैं, अपनी बात कर लेना पैसे की, जो 4-5 पंडित जी से बात करना, जो कम पैसे लें उनसे अपनी यहाँ पूजा करा सकते हैं। ये है इसका गेट मंगलनाथ मंदिर का, यहाँ पे बैठ सकते हैं, पानी पीने की व्यवस्था है। और ये मंदिर है, यहाँ से जाएंगे आप अंदर, मंदिर है लाइन लगा के। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे लोग पूजा वगैरह कराते हैं, कितनी सारी पूजा हो रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेन गेट, इधर से आप जा सकते हैं, तो मैं इधर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भाई पूजा चलती रहती है रेगुलरली, जैसे पंडित जी हैं यहाँ पे पूजा करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई कितनी लोग पूजा करा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एरिया है ना, तो यहाँ पे सारी पूजा वगैरह होती है और पंडित जी वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिनके अंदर जो भी दोष होता है तो वो यहाँ पे पूजा वगैरह कराते हैं। ये है मंगलनाथ मंदिर। तो अभी हम मंगलनाथ टेम्पल के पास हैं, तो हमें पंडित जी मिले हैं। पंडित जी जय श्री माता, क्या नाम है आपका? पंडित आपकी शर्मा। तो यहाँ पे अगर कोई पूजा कराना चाहता पंडित जी तो क्या चार्ज है उसका? सर्वप्रथम तो जिसकी पत्रिका में मंगल दोष होता है, ठीक है, प्रथम भाव में, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या सप्तम भाव में विराजमान होता है महामंगल, तो उनकी पत्रिका मांगलिक हो जाती है, तो मंगल दोष बनता है पत्रिका के अंदर। तो हमें कार्य बिगड़ना, उन कार्यों के लिए संबंधित बीमारी होना शरीर के अंदर, उनके लिए मंगल का भात पूजन किया जाता है। भात पूजन का अर्थ होता है पकाए हुए चावल दही मिलाकर चढ़ाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह है वो अंगार के समान है, गर्म ग्रह है, उनको शीतलता के लिए चावल को पकाकर दही मिलाकर चढ़ाया जाता है, वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं, चढ़ाने से मंगल दोष का निवारण होता है, कार्य सिद्ध होते हैं, मतलब सही हो जाता है, कुंडली में रहता नहीं है ना, निवारण हो जाता है, मंगल कभी खत्म नहीं होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता है। वो जब भी खोलोगे आप पत्रिका, तो उसके अंदर मंगल दोष रहेगा, तो मंगल दोष ही रहेगा, लेकिन कार्य हमारा सफल हो जाएगा, कार्य सफल हो जाएगा, उससे जो रुकावटें वगैरह आएगी, जो दिक्कत वगैरह आएगी, दिक्कत नहीं आती है। अन्यथा मंगल का पूजन करते हैं तो शासन द्वारा निर्धारित रचना वगैरह भी 151 का रचित करता है, 1100 का सामान साहित्य, सारी चीज़ें इसमें हमारी होती है, सामान वगैरह साहित्य वगैरह सब आपका रहता है, सारी जिसको अगर पूजा करानी है कोई मतलब आ रहा है तो वो खाली चला है, बाकी सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे सारी। और फीस कितनी है? 1250 फीस है पंडित जी की। और जो शिवलिंग के अंदर पूजा कराते हैं, मेन मंदिर में जाके दूध दही पंचाम होगा अपना, ठीक है, और 1.25 किलो चावल का लेकर महामंगल को चढ़ाया जाएगा, जिससे पूजा कर्म किया जाता है, वो पूरा पूजन कर्म अंदर गर्भगृह में बैठ के किया जाएगा। पंडित जी उज्जैन अगर कोई आता है बाहर से, उज्जैन से कितना डिस्टेंस है इसका मंदिर का? 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर तो आप वहाँ से टैक्सी वगैरह फिर रिक्शा से आ सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए, वगैरह लिख देंगे, हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पंडित जी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, आप आते कॉन्टैक्ट कर लेना, ये मंगलनाथ मंदिर पे आपको मिल जाएंगे। नंबर वगैरह है अपने 7828 4675, ठीक है, पंडित जी का नंबर लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो पढ़ लेना, मंगलनाथ कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल है, ग्रह के स्पष्ट दर्शन तथा खगोलिक अध्ययनों हेतु अच्छा स्थान माना जाता है। प्रत्येक मंगलवार यहाँ दही भात से पूजा होती है, मतलब हर मंगलवार को यहाँ पे ना दही और भात से पूजा होती है, वो ठंडे होते हैं, परंतु बैसाख के मंगलवारों का विशेष महत्व है। तो भाई ये पढ़ लेना आप, अगर मेरी हिंदी समझ में ना आ रही हो आपको, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और ये है मंदिर, ये मंगलनाथ का मेन गेट, यहीं से आप एंटर करेंगे, ठीक है, और जस्ट सामने मंगलनाथ जी का मंदिर है, प्रसाद वगैरह अंदर ही मिल जाएगा आपको, ठीक, काफ़ी बड़ा मंदिर है और मंदिर के जस्ट पीछे शिप्रा गंगा जी हैं। और ये देखो यहाँ पर कितने सारे ऑटो ई रिक्शा खड़े हुए हैं, तो आप अगर उज्जैन महाकाल मंदिर से आएंगे ना, अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो आप आ सकते हैं, बाइक स्कूटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ई रिक्शा ऑटो सारे हैं यहाँ पर, कितनी सारी भीड़ है आप देख रहे हो ना। तो अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर, सामने है मंगलनाथ मंदिर, ये शिप्रा गंगा जी हैं और ये है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, तो वहीं से रास्ता है आप आ सकते हो। और यहाँ पे भी जो मांगलिक लोग होते हैं ना, वो गाय को चारा वगैरह खिलाते हैं, ये देखो जिनकी कुंडली में दोष होता है, तो पंडित जी बताते हैं कि गाय को चारा वगैरह खिलाना, गौ माता की सेवा वगैरह आपको करना होती है, ठीक है। इधर भी गौशाला है और इधर भी गौशाला है, तो मंदिर में चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं चल के,
यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। और गाय देखो कितनी प्यारी प्यारी गाय, देसी गाय भी है, गिर गाय भी है, यहाँ पे सींग बड़े हैं ना। तो ये है मंदिर, तो आप कभी आओ ठीक है, उज्जैन, उज्जैन से आओ मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर से ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जस्ट सामने मंदिर। यहाँ भी प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो चारा वगैरह ये रखा हुआ है, यहाँ पे आप खिला सकते हो, यहाँ पे चारा वगैरह, गुड़, पंचमेवा ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे। और ये गौमूत्र है, जिसको चाहिए हो वो यहाँ से ले सकता है भाई। तो ये है मंदिर, यहाँ पे जूते पे निकाल देते हैं। वो यहाँ भी गाइस पूजा चल रही है ना, यहाँ पे भी जिनके दोस्त होता है तो यहाँ भी ओंकारेश्वर मंदिर में भी आप पूजा वगैरह करा सकते हो। यहाँ का ज़्यादा महत्व ऐसा बताया जाता है, सामने बोर्ड लिखा, पंडित जी के नंबर वगैरह हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे चल रही है पूजा। और मंदिर शायद वहाँ पे है, चलिए दर्शन करते हैं चल के। ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है ये, यहाँ पे जल अभिषेक हो रहा है। यहाँ पे आके आप जल अभिषेक कर सकते हो, पूजा कर सकते हो।